यार डिजो ने अपने वायर्ड ईयरबड्स लॉन्च किए हैं 400 रुपीज़ में। लॉन्चिंग प्राइस इनका 400 रुपीज़ था, हमारे पास आज ही आए। एंड इनका अनबॉक्सिंग वीडियो इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ इनका रिव्यू भी मिल जाएगा, बॉक्स कंटेंट एंड जो इनके फीचर्स हैं, इनकी ड्राइवर साइज, इनकी कॉल क्वालिटी एंड बेस वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप के ये ईयरबड्स हैं, डीजो का जो स्टेप है कैसा है। एंड एडिशनल थिंग गाइस, यहाँ पर आपको टेंगल फ्री वायर मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार चलिए अनबॉक्सिंग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये डीजो की ओर से जो वायर्ड ईयरबड्स है, ईयरफोन है, हमने परचेज किए। कॉस्ट इनका हमें मिला वो था अराउंड आपका 400 रुपीज़। तो डीजो रियलमी का सब ब्रांड है, तो आपको रियलमी लाइफ टेक करके यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। एंड ये ईयरबड्स कुछ रियलमी के ईयरबड्स जो है उन जैसा डिज़ाइन होने वाला है। 11.2 mm के यहाँ पे आपको ड्राइवर दिए गए हैं, बेस आपको अच्छा मिल जाएगा, प्राइस भी अफोर्डेबल है अगर आप वायर्ड ईयरफोन लेना चाहते हैं तो। तो हम यहाँ पे इनको अनबॉक्स कर देते हैं। एंड गाइस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रोडक्ट बॉक्स में आपको जो है एक बुकलेट एंड वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ईयरफोन की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी बताई गई है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है, जो पैकिंग है वो काफ़ी सही यहाँ पे लग रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बर्ड्स को निकालूं, ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी डिज़ाइन की गाइस, तो डिज़ाइन आपका टेंगल फ्री यहाँ पे केबल बोल रहे हैं, तो जी हाँ, टेंगल फ्री केबल जो है दी गई है डीजो ने आपको दिया हुआ है। तो ये प्लास्टिक नहीं है, काइंड ऑफ आपका टेंगल नहीं होगा जिस टाइप से नॉर्मल जो आपके ईयरबड्स है वो टेंगल हो जाते थे। अगर हो भी जाता है तो ये इजी आपका निकल आएगा। ओके, बात करते हैं लेंथ वाइज गाइज, तो लेंथ आपका अराउंड 1.5 मीटर यहाँ पे दिया गया है। ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट अगर जो केबल होती है वो होती तो बेटर रहता एंड वो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, बट ठीक है। जो ये पोर्शन है यहाँ पे आपको वो प्लास्टिक, एक्स्ट्रा प्लास्टिक दिया हुआ है ताकि ये कहीं पे गिरे ना। 3.5 mm जैक है। अगर हम यहाँ पे मेन बटन की बात करें, जो यहाँ पे एक यूनिवर्सल बटन दिया है, माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा, डीजो का ब्रांडिंग है एंड एक यूनिवर्सल बटन आपको दिया गया है म्यूजिक एंड कॉल वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, तो डिज़ाइन इसका इन ईयर फिटिंग है, आपको जो है टू काइंड ऑफ फिनिश मिल रही है। ये ग्लोसी काइंड ऑफ फिनिश आपको इंटरनल सेक्शन में मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रोफोन दिए गए हैं एंड स्पीकर्स दिए गए हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये भी वेरी वेल डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन वाइज मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं। ड्यूरेबिलिटी केबल के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आई थिंक ड्यूरेबल रहेंगे ये। आपको लेफ्ट एंड राइट ईयरबड्स पे जो है उनके इनिशियल्स मिल जाते हैं एंड जो राइट वाला ईयरबड्स है उस पे आपका मेन बटन जो है इसका वो अटैच्ड है। तो चलिए गाइज, हम इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो गाइज, अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी इन ईयर फिटिंग की म्यूजिक क्वालिटी से पहले, तो इन ईयर फिटिंग जो इन ईयरबड्स की है, डीजो की जो वायर्ड ईयरबड्स की है, वो काफ़ी सही है। एंड ये आपका जो डीजो के गोपोर्ट्स हैं या आपका डीजो बड्स जी है उस टाइप की फिटिंग देते हैं, तो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेंथ यहाँ पे लंबा किया गया काफ़ी, एंड एक जो ये होता है आपका जिससे आप अपनी वायर को कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देगी, तो वो डिसएडवांटेज में तो नहीं आएगा, बट हाँ अगर होता तो बेटर रहता। ओके, तो एयर फिटिंग वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होती है तो एक्स्ट्रा एयर टिप्स जो दिए गए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इनको चेंज करने के लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी के लिए 11 mm के यहाँ पे ड्राइवर दिए गए हैं,
तो साउंड क्वालिटी काफ़ी सही होने वाली है। एंड मैं थोड़ा बहुत इनको टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे म्यूजिक वाइज एज एन कोई कंप्लेन नहीं है, बट हाँ काफ़ी डिसेंट आपको म्यूजिक क्वालिटी मिलती है इस प्राइस में। 400 रुपीज़ में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइज साउंड क्वालिटी वाइज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, एंड साउंड लाउडनेस वाइज मैं इनको 10 out of 10 दे रहा हूँ एज पर प्राइस। अदर देन दैट अगर यहाँ पे बेस की बात करें तो बेस भी काफ़ी अच्छा है, बट म्यूजिक क्लैरिटी मुझे थोड़ा मैं एक पॉइंट यहाँ पे कट करना चाहूँगा, तो 9 out of 10 जो म्यूजिक की क्लैरिटी उसको मिलेगा। बेस वाइज भी आपको डिसेंट मिल जाता, तो अगेन 9 यहाँ पे मैं बेस वाइज इनको दे रहा हूँ। इवन गाइस आपको कॉलिंग पर्पस के लिए यहाँ पे माइक्रोफोन मिल जाता है, तो कॉलिंग भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, एंड कॉल क्वालिटी इन ईयरबड्स की काफ़ी सही होने वाली है, तो आप कॉलिंग के लिए इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे गेमिंग की मैं बात करूँ तो गेमिंग में कोई लेटेंसी आपको नहीं मिलेगी, वायर्ड ईयरफोन है, वायर्ड ईयरबड्स में आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिलती, बट कैरी करना थोड़ा जो है वायर्ड ईयरबड्स के कंपैरेटिव यहाँ पे हार्ड रहेगा, बट जो यहाँ पे टेंगल फ्री ये दिया गया है एरिया वो काफ़ी अच्छा है, एंड टेंगल फ्री वायर इनको काफ़ी अच्छे ईयरबड्स यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आप एक 500 के बिलो ईयरबड्स परचेज करना चाहते हैं, देन डीजो गो लाइक डीजो के ही जो ये ईयरबड्स हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं। 10 out of 10 यहाँ पे मैं इनको मार्क्स दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली इनको परचेज कीजिए, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये ऑनेस्ट रिव्यू है। लिटरली अगर आप चाहेंगे मैं कॉल क्वालिटी वगैरह का रिव्यू भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय गाइज।